पटियाला दे सीनियर डिप्टी मेयर योगिंदर सिंह योगी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, योगिंदर दे एक दोस्त का भी टेस्ट बीते दिनी पॉजिटिव आया सी। योगिंदर योगी नू मई च फ्लू की शिकायत हुई सी, पर टेस्ट करवाउन ते उन्हां दी रिपोर्ट उदों नैगेटिव आई सी, पर हुण इस बार उन्हां दी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 14 दिनों के एकांतवास दौरान सरकारी राशन वंडन करके विवादों के विच गिर गए सन योगी। तां योगी दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक बार मुड़ तो तुहानूं दस दईए कि पटियाला दे सीनियर डिप्टी मेयर हन योगिंदर योगी, योगिंदर सिंह योगी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उधर पंजाब च कोरोना कारण मौतों का अंकड़ा 200 ते जा पहुंचा। जी हाँ, पंजाब च कोरोना कारण अज 5 होर लोगों की मौत हुई। इस दे नाल ही पंजाब दे विच कोरोना दे नाल होण वालियां मौतों का अंकड़ा, जी हाँ, मौतों का अंकड़ा 200 तक जा पहुंचा। 200 लोगों की हुण तक जान जा चुकी है पंजाब दे विच। अमृतसर च 2, पठानकोट च 1, संगरूर च 1 ते लुधियाना च 1 मरीज की अज मौत हुई है। इस दे नाल ही 200 हो चुकिया कुल अंकड़ा मौतों का। पंजाब दे विच अज कोरोना के 234 नवे मामले भी सामने आए हैं। लुधियाना दे विच 60, जलंधर च 36, मोहाली और नवांशहर च 23, अमृतसर च 22, पटियाला च 21 मरीज सामने आए हैं। कुल मामले की गल करिए 7,821 मामले हैं, जिन्हां विचों 2230 एक्टिव मरीज हैं। तो मैं आप दे राही तुहानूं दस रहा, कोरोना के एक्टिव केस कुल 2230 हैं। मुक्तसर च 7, फरीदकोट 45, तरन तारण 21, कपूरथला 33, फतेहगढ़ साहब 24, बरनला 17, पटियाला 349, नवांशहर 67। पटियाला च बेहद वड्डे पद्धर से मामले वहाई दे रहे हैं। पठानकोट च 27, मोगा च 38, फजिलका च 8, मानसा च 13, संगरूर च 112, जबकि लुधियाना च 457 एक्टिव मामले हैं। लुधियाना की हालत भी खस्ता विखाई दे रही है। इस दे नाल ही अमृतसर च 192, मोहाली च 110, जलंधर च 522 एक्टिव मरीज़ हैं। हुशियारपुर च 12, गुरदासपुर च 48, फिरोजपुर च 65, बठिंडा च 42 एक्टिव मरीज़ हैं। तो यह है अंकड़े जो कि वाकई ही दस रहे हैं कि कित्थे कित्थे कोरोना का प्रकोप सब तो वध विखाई दे रहा है। मैप के राही तुहानूं दस रहा सी कित्थे कित्थे किन्ने किन्ने एक्टिव मरीज़ हैं। उधर पंजाब दे प्रशासनिक अधिकारियों च करोना फैलन तो बाद वड्डा फैसला लिया गया। पंजाब सरकार वालों डीसी दफ्तरां दे विच मेमोरेंडम यानी कि मंग पत्र नहीं लाए जाएंगे, ना ही कोई शिकायत पत्र दिता जा सकेगा। किसी भी सरकारी दफ्तर च शिकायत जां फिर मंग पत्र देन दी मनाही घोषित कर दी गई है पंजाब सरकार वालों, क्योंकि लंघे दिन वेख्या गया कि वड्डे पद्धर ते सरकारी अफसरां दे विच प्रशासनिक अधिकारियों दे विच करोना का फैलाव हो रहा है। ऐसे करके फैसला लिया गया है। सरकारी अफसर च जेकर हुण कोरोना पुष्टि हुंदी है तां दफ्तर 72 घंटे के लिए सील कर दिता जाएगा, तो उसनू सैनिटाइज करन तो बाद ही उसनू मुड़ तो खोलिया जाएगा। सरकारी दफ्तरां च समर्थन दे नालों अद्धा स्टाफ ही काम करेगा, यानी कि 50% स्टाफ ही दफ्तर आएगा, 50% स्टाफ घर बैठेगा। रोटेशन दे विच शिफ्टां दे विच काम होएगा, यह भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।